हाय, 13th दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2023। दिस इज राजेश गुप्ता, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ अनलॉक जिंदगी। सो हाउ डिड यू कम अप विद द आइडिया फॉर दिस फिल्म? व्हाट वाज योर ड्राइव बिहाइंड मेकिंग दिस फिल्म? हम सब लोग इस पैंडेमिक से गुजरे हैं और सामान्यतः ये माना जाता है कि उन दिनों में जिंदगी लॉकडाउन में लॉक हो गई थी, सब कुछ बंद हो गया था, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे वो बिजनेस हो या फिर इंसानियत हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि उसके पहले के वक्त जो हमने बिताए थे, शायद वो लॉकडाउन था जब हमने रिश्तों को, जिंदगी को, बिजनेस को एक थॉट में बांध दिया था और लगने लगा था कि ये सब तो ऐसे ही चलेगा या फिर ऐसे ही चलना चाहिए। पर पैंडेमिक ने हमें एक कोने में बिठा के हमें ये जबरदस्ती महसूस कराया कि क्या ये सब वाकई सही चल रहा है। तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन ये नहीं था बल्कि उसके पहले का टाइम था, ये तो अनलॉकडाउन है और इसी के द्वारा हमने अपनी कहानी कही है। Tell us about the challenges that you faced while shooting this film. चूंकि हमारी कहानी पूरी तरह से पैंडेमिक के ऊपर थी, तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि उस पूरे पैंडेमिक को रिक्रिएट करना और वो पूरा सुनसान माहौल फिर से बनाना। हम थैंक्स टू माय प्रोडक्शन टीम, जिन्होंने बहुत इफेक्टिवली पूरे क्राउड को कंट्रोल किया और हम वो पूरा माहौल फिर से रिक्रिएट कर पाए। हाउ डिफरेंट वाज व्हाट यू ओरिजिनली एनविजन्ड द फिल्म बीइंग लाइक एंड हाउ इट इवेंचुअली टर्न्ड आउट? हमने जब जो भी कहानी हमने लिखी थी और जो कुछ भी हमने शूट किया था, पोस्ट प्रोडक्शन में जब हमने उन सबको एक माला के रूप में पिरोया, तो हमने पाया कि हमारी कहानी हमारी उम्मीदों से बहुत बेहतर बनी है। सो व्हाट काइंड ऑफ रोड ब्लॉक्स एंड चैलेंजेस डिड यू फेस व्हाइल मेकिंग द फिल्म एंड हाउ डिड यू ओवरकम देम? सबसे बड़ी मुश्किलें एक नए फिल्म मेकर के लिए होती है अपनी पसंद के कलाकारों को साइन करना, पर लकीली हमें वो सारे कलाकार मिले जिन्हें हम साइन करना चाहते थे और फिल्म आज आपके सामने है। सो टेल अस अबाउट मैनेजिंग द ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ दिस फिल्म प्रोडक्शन। एक लिमिटेड बजट के अंदर आपको पूरी फिल्म बनानी है और ऊपर से आपका 75% बाहर में शूटिंग है, तो चैलेंज तो बहुत सारे थे पर लेकिन सब कुछ बजट के अंदर हो गया। Why should the audience watch this film? Human tendency ऐसी होती है कि लोग बुरे लम्हों को याद रखना नहीं चाहते, पर हमने पैंडेमिक के सारे बुरे लम्हों को एक कॉमेडी के रूप में इस तरह से पिरोया है कि आप उसको उसे पसंद किए बिना रह नहीं पाएंगे। Tell us about the target audience and the USP of your film. Target audience पूरी की पूरी दुनिया ही हमारी target audience है, ना केवल भारत में बल्कि दुनिया के हर मुल्क में हर लोगों के लिए इसमें हमने कुछ ना कुछ रखा है जिससे वो अपनी दुनिया को, उस पैंडेमिक की दुनिया को से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और USP हमने इसमें ज़िंदगी के कई सारे रंग बिखेरे हैं जिससे आप बच नहीं पाएंगे। What are your promotion and distribution plans for this film? This film is being released on 19th May. And I request all of you to please wait for 19th May and see this film. I wish all the best to 13th Dada Saab Phalke Film Festival 2023 and I hope you people like our film.